नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। पूरे देश के साथ साथ बिहार पर कोरोना का प्रहार लगातार बरकरार है। वहीं कोरोना संक्रमण के मामले भी बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमण और मृत्यु दर में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन के पिछले 24 घंटे में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार में कुल 7,870 नए मामले जुड़े हैं, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या 3,15,427 पर पहुंच गई है। वहीं सबसे ज्यादा प्रभावित टॉप 3 जिलों की बात करें तो पटना में 1,898 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही गया में 610 और मुजफ्फरपुर में 541 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही अगर हम बीते दिन के पिछले 24 घंटे में ठीक हुए मरीजों की बात करें तो कुल 1,804 मरीज ठीक हुए हैं और अब ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 2,74,207 पर पहुंच गई है। बिहार में रिकवरी दर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं बिहार में वर्तमान समय में रिकवरी दर 86.93% पर पहुंच गई है, जो कि पिछले दिन के 24 घंटे में जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार 1.64% कम है। इसके साथ ही अब बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 39,497 पर पहुंच गई है। याद हो, जारी किए गए आंकड़े 2,51,45,835 सैंपल की जांच के बाद जारी किए गए हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 1,55,555 सैंपल की जांच की गई है। वहीं बिहार में कुल जान गंवाने वालों की संख्या की बात करें तो मामले 1,722 पर पहुंच गए हैं। और वहीं अब अगर हम जिलेवार कोरोना प्रभावितों की संख्या की बात करें तो अररिया में 71, अरवल 94, औरंगाबाद 215, बांका 74, बेगूसराय 326, भागलपुर 322, भोजपुर 138, बक्सर 100, दरभंगा 60, गया 610, गोपालगंज 147, ईस्ट चंपारण 149, जमुई 103, जहानाबाद 186, कैमूर 25, कटिहार 70, खगड़िया 31, किशनगंज 18, लखीसराय 102, मधेपुरा 110, मधुबनी 127, मुंगेर 255, मुजफ्फरपुर 541, नालंदा 109, नवादा 115, पटना 1,898, पूर्णिया 153, रोहतास 188, सहरसा 247, समस्तीपुर 143, सारण 256, शेखपुरा 103, शिवहर 20, सीतामढ़ी 42, सिवान 188, सुपौल 61, वैशाली 167, वेस्ट चंपारण में 269 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही बाकी ऐसे 37 संक्रमित हैं जो कि दूसरे राज्य के हैं, लेकिन इनका सैंपल बिहार के ही अलग अलग जिलों में कलेक्ट किया गया है। कोरोना के मामले में बेशक बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन ध्यान रहे, इससे बचने का एकमात्र उपाय है सतर्कता। मास्क पहनिए, मास्क पहनने से कोरोना संक्रमण का खतरा 30% कम हो जाता है। और जरूरत ना हो तो बाहर निकलने से बचिए। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल करते हुए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। कोरोना की खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।